हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, यानी हम आज सीखेंगे एंटर के बारे में। तो आइए देखते हैं एंटर को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ भी एंटर करते हैं तो होता क्या है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर अगर मैं हूँ और अगर मैं एंटर करता हूँ तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं, लेकिन यही चीज अगर शिफ्ट के साथ एंटर किया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट के साथ हम एंटर करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, अगर मैं शिफ्ट के साथ कोई भी एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिखा, और शिफ्ट के साथ अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या होगा, हम ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा इसे जूम भी कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अगर मैं यहाँ पर हूँ और शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ऊपर की तरफ हम मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ऊपर की तरफ मूव होते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही शिफ्ट और एंटर की। अब बात करते हैं अल्ट और एंटर की, ठीक है। यानी इस बार हम बात करेंगे अल्ट एंटर की। तो यहाँ पर अगर अल्ट के साथ एंटर करते हैं, यानी एल्टी, अल्ट का एक बटन होता है, उसके साथ हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अल्ट के साथ एंटर प्रेस करने से क्या होगा, अल्ट के साथ अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं उसी सेल में नीचे की तरफ हम मूव कर जाएंगे। और अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेल लिख देता हूँ तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से चौड़ाई इसकी मतलब हाइट इसकी बढ़ जाती है। और ये फायदा है आपका अल्ट के साथ एंटर प्रेस करने से। इसी तरीके से एक और चीज होती है, यानी कंट्रोल के साथ भी एंटर प्रेस किया जा सकता है। अब कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने का क्या फायदा है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन दे देता हूँ, सॉल्यूशन SOLUTION ये दे दिया हमने। और अगर हमने कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन लिख दिया है और अल्ट HMM कर देंगे ताकि ये एक ही सेल में आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के बाद इन पांचों सेल्स में एक ही बार में कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन आ जाए, ऐसा हमें चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है COMPUTER कंप्यूटर एंड एक्सेल EXCEL सॉल्यूशन। अब हम एक बार इस सेल में टाइप करेंगे और हम ये चाहते हैं कि पांचों सेल में आ जाए, तो आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए और पांचों सेल में ये फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखा है ना मजेदार, ये अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट का यूज, इसके साथ साथ एंटर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।